टाइटल वॉज हाउ ईगो लिफ्टिंग एंड इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन अफेक्टेड माई होल ग्रोथ। स्वागत है आप सभी का। अभी अपनी जिम जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अभी कुछ हम बनाने वाले। एज ऑलवेज ये अपना ओट्स का डब्बा ही खाली हो गया, बट आज हम शेक नहीं बनाएंगे, आज खा लेते हैं। जलने की स्मेल आ रही है, आई थिंक ये आगे वाले घर से किसी को कुछ जल रहा है, आई डोंट नो। एक बार स्मेल आती है जलने की, हम सोचते किसी और के घर में जल रहा है, पता नहीं अपने घर में जल रहा होता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने देखा, गैस वैस कुछ सब कुछ बंद है, हीटर बंद है, इंडक्शन सब कुछ बंद है, राइस कुकर तो नहीं होने पे, नहीं सब बंद है यार, क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं कौन कौन से इसके अंदर मसाले यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं, ये है अपना। इसके अंदर मैं मिर्ची डालता हूँ, सिंपल हर किसी के घर में होगा। एंड देन उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज चिकन मसाला, ठीक है। और चाहो तो तुम तेल में भी बना सकते हो, बदन में फ्लेवर के लिए जो है घी ऐड करता हूँ। घी से थोड़ा अच्छा टेक्स्चर आता है खाने में, टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, गुड फैट्स है। थोड़ा सा फैट्स का रिक्वायरमेंट भी डेली कैसे पूरा हो जाता है एक बारी खाने से। थोड़ा सा मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा कैमरा एंगल, ऐसा बन रहा है। अब जो है इसको ऐसे अच्छे से हाथ से मसाले को पूरा करो। तो देन ज़्यादा बड़ा प्लेट ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं, ऐसे ढक दो कुछ देर के लिए। अब अपना इसको देखते हैं साइड से। आप इसकी जगह जो है ऑयल भी यूज कर सकते हो। गैस है रेडी टू बॉयल, धुआं भी निकल रहा है। चलते हैं अंदर। हमको अगर आपको पता होगा जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन हम ले रहे हैं ओट्स, इसके अंदर है कार्ब्स जो हमको थ्रू आउट द वर्कआउट थोड़ी एनर्जी वगैरह देंगे। एंड देन इसके अंदर है चिकन, चिकन से है हमको मिलेगा प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है चिकन के अंदर। बट अभी इसके अंदर हमने घी का यूज़ किया तो उसके अंदर हमारा 5 ग्राम फैट भी आ गया, क्योंकि एक चम्मच यूज़ किया था तो 49 कैलोरीज विद 1 स्पून ऑफ घी। तो फैट्स आ गया, प्रोटीन आ गया, एंड देन हमारे कार्ब्स आ गए, तीनों का स्प्लिट हो गया। बट देन कार्ब्स थोड़े हाई अमाउंट में लिए क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। क्या हाल है, बढ़िया। घंटे लगाया मैं, कर मैं आया, आया मैंने बोला था बराबर 4 बजे, देख 4 बजे बराबर टाइम पे आया हूँ।
भाई को क्या हो गया भाई? पता गंदे। है कितने हफ्ते के बाद निकाल रहा हूँ मैं भाई को आज। 40 भाई का भाई ऐसे जरा हाथ मारता हूँ मैं थोड़ा, कोई बैग भी ना गिर ही कोई रहा ना है। हाँ आ चुके जिम में, वर्कआउट करने वाले हैं, पुश वर्कआउट। भाई कौन सा, तुम कौन सा स्प्लिट लगाते थे? ब्रो स्प्लिट मतलब मंडे चेस्ट ट्यूसडे वगैरह वो लगाते थे ना? दो 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 तीन लगेगी, सीधा चेस्ट बैक और ट्राइसेप्स सब सीधे खत्म, तोड़ देना सब कुछ। सामान निकालते हैं बाहर, दिखाते तुमको व्हाट्स इनसाइड ए बॉडी बिल्डर्स बैग। व्हाट, ये देखो ये अपना ब्लॉगिंग का है ट्राइपॉड, दिस इज बोया का BY MM1 माइक, अभी मैं माइक के बिना शूट कर रहा हूँ, और दिस इज माय हेडबैंड, और ये इसके अंदर अपना पानी वानी का सिस्टम रहता है, और ये है अपना एक स्क्रिप्ट है जो हमको वीडियो बनानी है, और ये है कॉफ़ी, इसको हम पियेंगे, कैफीन होती है, एड्रेनलिन थोड़ा रश करता है, हल्का बहुत ब्लड का भी रश करता है। दिस इज जेल भाई, कैसे भाई? बढ़िया बस भाई, बढ़िया। और आप बताओ कैसे भाई? भाई को सब्सक्राइब करो, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दो भाई, हर जगह वीडियो को फैला दो। आज आज मोटो ब्लॉगर हमारे जिम में आए हैं वर्कआउट करने के, अपनी करते हैं भाई, सोचा आज अपनी बाइक से तो मिलाओ पहले हमको। क्या नाम क्या रखा है अपनी बाइक का? हमारी बाइक का नाम है ब्लैकी, तुम आपको मिलाता हूं ब्लैकी। ये देखो भाई तानिश भाई की ब्लैकी, तानिश फिल्म्स। आज हम जिम आए हैं, लुक एट दिस। सोचा कि भाई अभी बल्क कर रहे हैं क्या? हाँ बल्क और लीन दोनों भाई, अभी दोनों फिट है भाई, मतलब बॉडी बॉडी दिखेगी फ्रेंड में। हाँ एंड में दिखेगी भाई बॉडी। चलो ठीक है चलते फिर जिम के अंदर जल्दी जल्दी। अभी तक कौन सा स्प्लिट ऐसे मंडे चेस्ट ट्यूसडे वो वगैरह वैसा ही करते थे ना? हाँ वैसे वैसे भाई। आज तीन मसल लगेंगे, तीन मसल। हाँ तो ठीक है भाई, आज बहुत खतरनाक वर्कआउट करने वाले हैं, चेस्ट शोल्डर और अपने ट्राइसेप्स लगेंगे, जो आप बोल रहे हैं भाई वो आज हम करेंगे। मेरी ऑडियंस के लिए भाई अपने भाई को फुल सपोर्ट करो, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, इनके साथ भी आप वीडियोज आएगी बहुत ज्यादा, अब जिम के रिलेटेड वीडियो इनके साथ ही आएगी, तो आज का वर्कआउट बहुत बूम होने वाला है, तो वीडियो का एंकर देखेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ चार नवाब चावड़ा। मैं किसी के साथ भी वर्कआउट लगाने जाता हूँ ना, हर किसी को बोलता हूँ भाई वर्कआउट करोगे चीखे निकलेगी। आज अगर तुमको मैंने चीखे निकलवा दी ना, कसम से मानूंगा मैं सफल हो गया। चीखे निकलती सुनना, स्क्रिप्टेड है थोड़ा, अगर नहीं भी निकली ना तो निकाल देना, थोड़ा ऐसे चिल्ला देना भाई आज मोटो ब्लॉगर को चीखे निकालेंगे। मोटो ब्लॉगर को चीखे। गाइस मैं अभी बाइक के चैनल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो मेरे पीछे तीन प्लेटें भाई, यहाँ से भी वहाँ से भी ओपी सीन होने वाले भाई, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा भाई शायद इतना, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ओ भाई भाई तो बहुत आराम से ये सब लगा रहा है भाई, लग रहा है 2.5 किलो के मार रहे भाई। ओपी ब्रो रख। तो यहाँ पे अभी एक भैया हमको चैलेंज देते हैं कि अगर 8 रैप मारेगा तो मान जाऊंगा तेरे को, तो देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। असल में पहले दिए थे 20 रैप, बट देन 20 रैप बहुत ज्यादा थे, तरस खा के दे दिए 8 रैप। बाकी का सब डिस्का होगा 10 के बाद ऑन एफ। चलो ठीक है ट्राई करेंगे कोशिश, तो उससे करनी है बस। लोअर चेस्ट लगाना है, लेटरल डेल्टॉइड लगाना है। I'm a
touch a mind to a limit where it needs to be. The work I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I'm believing me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's you lost, see. I got my mind on the facts, I'm a python rap. What I like real fast, so until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see matter of fact, I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can. मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी जब मैं 8th क्लास में था. उन दिनों जून जुलाई की छुट्टियां पड़ती थी, तो मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ अलग शुरू करते हैं, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं. तो मैंने जिम शुरू की, बट देन द नॉलेज वॉज ज़ीरो. कुछ नहीं पता था न्यूट्रिशन के बारे में, नॉट इवन अबाउट दी हाउ टू डू दी एक्सरसाइज. और लोग हंसते थे, लिटरली बोल रहा हूँ. एंड ऑलवेज सोचता था कि हमेशा से मेरे को लिफ्ट जो है हमेशा हैवी करना होता था, कि मैं सबसे ज़्यादा वेट उठाऊंगा. क्योंकि लोग हंसते थे तो इनको इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी एक अच्छी तरह से लिफ्ट कर सकता हूँ. नो डाउट कि आज की डेट में मैं अच्छी तरह लिफ्ट कर पाता हूँ. मेरी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट तक बढ़ गई है. बट द थिंग इज़ कि कैसे जो स्टार्टिंग में मैंने इम्प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक को ना नज़र में रखते हुए जो मैंने अपनी लिफ्टिंग की, वो मेरी मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और मेरी मसल ग्रोथ को बहुत ही हाई अमाउंट पे अफेक्ट किया था. बट अभी आप देख सकते हो, दिस इज़ माई करंट फिजिक कंडीशन. अच्छी तरह वेस्कुलरिटी है एंड देन एब्स की कंडीशनिंग है. हर एक चीज़ का जो है पूरा कटिंग में हुआ है. तो अब दिक्कत क्या आई कि मेरी जो है मसल अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाई. जितने समय में मेरे को जितना ज़्यादा मैं मसल गेन कर सकता था उतना नहीं हो पाया. बात करते हैं व्हाट इज़ ईगो लिफ्टिंग. देखो, जब भी आप कोई वेट उठाते हो, लेट्स से ये 20 kg का डंबल है एंड इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिफ्ट कर नहीं पा रहा हूँ, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ. तो डेट्स वर्ड कि मैं ईगो लिफ्टिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ. अगर आप एक वेट को बैलेंस नहीं कर पाते, उसका डिसएडवांटेज यह है कि जब आप उसको मारते हैं तो आपका अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं आता. अब माइंड मसल कनेक्शन इन द सेंस कि आप ट्रेन कर रहे हो बाइसेप, बट देन कहीं ना कहीं आपका जो है शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका फोरआर्म एक्टिवेट हो जाएगा. वही चीज़ होती है ईगो लिफ्टिंग. तो इसको जो है ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप इतनी ईगो लिफ्टिंग को बेटर करना चाहते हो. अभी मैं उठा रहा था 20 kg का डंबल, ये मेरा लास्ट स्ट्रेंथ है. लाइक मैं जैसे मैक्स उठाता था 20 kg का डंबल. तो आपको ये नहीं करना है, हमेशा जब आप अपना नॉर्मल वर्कआउट करते हो अपना हमेशा मैक्स नहीं उठाना है. आपको हमेशा अपनी जो मैक्स जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका 90% तक जाना है. अब मैं करता हूँ दूसरे पॉइंट की बात, जो कि है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ने कैसे मेरी बॉडी को अफेक्ट किया और कैसे तुम्हारी बॉडी को भी अफेक्ट कर रही होगी. देखो, एक चीज़ मैं पहले भी बोला, एक चीज़ अभी भी बोलता हूँ, एक्सरसाइज 30% तुम्हारी बॉडी पे जो है इफेक्ट करेगी, 70% जो है तुम्हारा न्यूट्रिशन इफेक्ट करेगा, मतलब ग्रोथ के लिए. क्योंकि मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बताता हूँ. जब मैंने शुरू की थी, मुझे लगता था हमको बस एक्सरसाइज करनी है. सबको लगता है यार, हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं. मुझे पता है जिसको रिजल्ट जो जिम जाता है ना, हर कोई बंदा बहुत मेहनत करता है एंड देन डिसअपॉइंट भी होता है और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होता है जब उसको रिजल्ट नहीं मिलते. मेरे साथ भी सेम होता था. मैं न्यूट्रिशन ही हो सकती है 90% ऑफ दी प्रॉब्लम जो तुम्हारी अभी अफेक्ट कर रही है और तुमको रिजल्ट नहीं ला रही है, जो मेरे को भी होता था. क्योंकि जब मैंने न्यूट्रिशन एकदम प्रॉपर कर दिया ना, इस तरह से मेरे इफेक्ट आना शुरू किया, इस तरह से मेरी मसल ने ग्रोथ मारना शुरू किया. क्या क्या करना चाहिए मसल गेन के लिए और क्या क्या करना चाहिए वेट लॉस के लिए, उसके लिए वेट लॉस के लिए वीडियो लाइए वेट गेन के अंदर विद इन 2 या 3 डेज के अंदर लाऊंगा. कनेक्टेड रहो इस चैनल पे, गूगल पे स्टडी करो. सबसे बड़ी पॉइंट, न्यूट्रिशन के बारे में जानो. अगर तुम्हारा जो गोल है कि गोल है वेट गेन करने का, तो वेट गेन के रिलेटेड पढ़ो. अगर तुम्हारा गोल है तुमको मेंटेन करना अपना फिजिक इतने पे, उसके बारे में पढ़ो कि हाउ टू मेंटेन फिजिक. अगर तुमको लॉस वेट लूज करना है, तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, मेरे चैनल पे आ गई ये वीडियो, पूरा डिटेल बताया. तो बस यही है, न्यूट्रिशन के बारे में जानो, पढ़ो, स्टडी करो एंड देन अगर आपको वेट गेन करना है, छोटे से पॉइंट पे बता सकता हूँ. देखो, कुछ भी है, सबसे बड़ी प्रोटिप देता हूँ, हेल्दी हेल्दी खाना शुरू करो. ठीक है, बाहर का जंक वंक बंद करो. चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, वेट गेन वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार अगर आप डर्टी बल्क करते हो, हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता. बल्क कर रहे हो, क्लीन बल्क करने की कोशिश करो, क्योंकि क्लीन बल्क में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, तुम थोड़ा सा पढ़ पढ़ के खाते हो, यानी कि तुम देखते हो कि तुम कितनी कैलोरीज ले रहे हो. उससे क्या होता है, आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है जब आप कट करते हो. क्योंकि जब आप वेट गेन के समय न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह देख देख के अपना वेट गेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको दिमाग में चला जाता है कि इस चीज़ में कितना कैलोरीज है, इस चीज़ में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है. देन इस चीज़ को मैं इधर ही खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है और भी एडिटिंग करनी है और कल सुबह मेरे को पोस्ट करनी है. और हैप्पी न्यू
ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे बी ये मेरी वीडियो न्यू ईयर पे आए, वैसे तो न्यू ईयर से बहुत देर पहले शूट कर रहा हूँ, बट देन मुझे पता है मेरे को एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस इस वीडियो पे 50 ही लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, धमाके के साथ, बाय बाय।